देश में नोटबंदी के फैसले के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भी कालाधन कुबेरों के रास्ते बंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आयकर के नियम 114B में बदलाव किया है। इसके तहत अब बैंकों से कहा गया है कि वह 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक के कार्यकाल के दौरान चालू खाते में 12.5 लाख से अधिक की नकदी जमा कराने वालों की जानकारी CBDT को दे। साथ ही जिनके बचत खातों में इस समय सीमा में 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा कैश डिपॉजिट किया जाता है, आयकर विभाग उन्हें नोटिस जारी करेगा, जिसके बाद आपको बताना होगा कि आपकी आय का स्रोत क्या है। इसके साथ ही बिना पैन कार्ड के बैंकों में बार बार नकद राशि जमा करने से लोगों को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम की घोषणा की है। अब तक पैन के बिना नकद जमा करने की राशि 50,000 से कम थी। बहुत सारे लोग पैन जमा करने से बचने के लिए 50,000 रुपए से कम की राशि जमा कर रहे थे, लेकिन अब जारी हुए नए सर्कुलर के मुताबिक 9 नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि के बीच अगर आप 2.5 लाख से ऊपर की राशि जमा करते हैं तो आपको पैन नंबर देना ही होगा। इस सर्कुलर ने लोगों की उस धारणा पर स्पष्टीकरण दिया है जिसमें यह माना जा रहा था कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी 50,000 रुपए से कम की राशि बिना पैन नंबर के बैंक में जमा कर सकता है। साथ ही जिन कामों के लिए पैन कार्ड जरूरी कर दिया गया है उस पर नजर डालें तो 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने पर पैन कार्ड का उपयोग जरूरी है। यह सीमा पहले 5 लाख रुपए थी। 10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होगा। अगर आप किसी भी तरह का बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। इसमें जनधन अकाउंट शामिल नहीं है। अगर आपको एक समय पर 50,000 से ज्यादा का बिल भरना है, जैसे रेस्टोरेंट या होटल का, तो भी पैन कार्ड चाहिए। प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा कैश जमा कराना या म्यूचुअल फंड खरीदना हो तो भी पैन कार्ड होना चाहिए। प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा का विदेशी यात्रा का नकदी भुगतान या विदेशी मुद्रा खरीदना हो तो भी पैन कार्ड चाहिए। 50,000 से ज्यादा के बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक के लिए पैन नंबर बताना होगा। तो पैन कार्ड अब हर जरूरी काम के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर ज्यादा मात्रा में ज्वेलरी खरीदने तक हर काम के लिए पैन कार्ड जरूरी होगा। जाहिर है कि इससे कर चोरों पर नजर रखी जा सकेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।